सर, आपकी एग्जिट किताब बहुत फेमस हो गई है, लिटरली हर एक लड़की उससे कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रही है। सो इस बुक से जुड़ा कोई भी किस्सा क्या आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? एक तो रात भर तुमने मुझे सोने भी नहीं दिया और सुबह उठ के कब चले गए पता ही नहीं चला। आखिर हो कहाँ तुम? या बेब्स। या बेब्स नहीं, कहाँ हो तुम? हाँ मीरा, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, अभी मीटिंग के लिए आया हूँ। ओह ओके। हाँ? क्लाइंट आता ही होगा। ओके ओके, बाय, लव यू। हेलो। हेलो सनी, वेर आर यू? ओए कहाँ पे हो तुम? सक्षी पहले तुम बताओ, तुम कहाँ पे हो और एग्जैक्टली तुम्हें कितना वक्त लगने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे यहाँ आधे घंटे से राह देख रहा हूँ। सीरियसली, यू आर ऑन टाइम? ऑन टाइम नहीं, बिफोर टाइम। कुछ भी। अच्छा मैं क्या कह रही थी कि डोंट चेंज द टॉपिक, तुम हो कहाँ पे? अरे एक आध घंटा वेट करने की आदत थी ना मुझे, तो मुझे लगा तुम आज भी लेट कर दोगे, इसलिए अभी तक निकली ही नहीं हूँ। एक मिनट, मतलब तुम घर पे हो? आई नो तुम मुझसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हो, लेकिन प्लीज जल्दी आ जाओ। आई बी देयर इन 10 मिनट्स। आई एम वेटिंग। कुछ सालों पहले ये सब उल्टा होता था, साक्षी का रुकना, मेरा देर से आना, उसका वेट करना, मेरा सोते रहना, आदत सी बन गई थी। पर कैसा है, वक्त के साथ साथ आदतें चीजें इंसान तक बदल जाता है। मेरे ब्रेकअप करने के बाद 5 साल हमारे लिए बड़ा गैप था, बस कुछ 2 महीने पहले ही हमने बातें करना शुरू कर दी। उसके पीछे भी रीजन था सॉरी का, जो भी उसी ने कहा था। एक दूसरे के साथ रहते समय हम हंसते हैं, बातें करते हैं, झगड़ा करते हैं, या फिर जो जो भी करते हैं, उसका रियलाइजेशन हमें तब नहीं होता। कुछ दिन बीत जाते हैं, महीने लग जाते हैं, सालों तक लग जाते हैं, एंड व्हेन मोमेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू मेमोरीज, तब जाके हमें पता चलता है कि हमने की हुई हर एक चीज कैसे एक्यूरेट नहीं थी। उस वक्त हमने कुछ अलग किया होता तो अच्छा होता। सो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर उसने मुझे सॉरी कह दिया होगा, वैसे मुझे कोई जरूरत नहीं थी। सर ऑर्डर। याद है 2 लोखंड वाला सीसीडी, 3 पृथ्वी कैफे, 6-7 आइनॉक्स की और लंबी छलनी वाले आर्गुमेंट ओबेरॉय मॉल की। सर ऑर्डर। फ्रेश लाइम सोडा। और कुछ? क्यों, तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो रही है? क्यों सर? तो जल्दी गए, बुलाऊंगा तुम्हें, जा। सॉरी सर। I don't mind. Seriously? आजकल इसके सारे अपडेट्स जीन्स, स्कर्ट और वन पीस में होते हैं, और मेरे सामने क्या पहना? तो इंडियन कैजुअल्स? Like seriously? Uh-huh.
इट्स ओके, कम सिट। व्हाट्सएप पे इतना कंफर्टेबल रहने वाला मैं उसे सामने देखकर ऑकवर्ड फील कर रहा था। उसके बाल, उसका जोर का हंसना छोड़कर बाकी सब बदल गया था। इंस्टा पे इतनी हॉट दिखने वाली लड़की सामने थोड़ी सी दुबली पतली लग रही थी। कभी कभी हम कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। उसके लिए मैंने ज़ारा का टी शर्ट पहना था और 5 मिनट ज्यादा नहाया भी था। लगा था फिर से मिला है तो कुछ फ्लर्टिंग शर्टिंग, मेकआउट शेकआउट हो जाता। तुम्हें दाढ़ी आ गई? हाँ, क्यों बुरी लग रही है? नहीं, आई मीन ओके ओके टाइप्स है, लेकिन हाँ काफी मैच्योर दिख रहे हो। दिख नहीं रहा हूँ, हो गया हूँ। अब 5 साल हो गए तो इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। उसके मैसेजेस पढ़ना, व्हाट्सएप देखना, फेसबुक चेक करना, मुझे अचानक से सब याद आ गया। अरे, I just bought it yesterday, इसलिए दिखा रही हूँ। I remember you were quite updated with phones and all, इसलिए। कैसी हो? So, what's been up? जवाब जानते हुए भी बस खुद को नॉर्मल करने के लिए मैं उससे सवाल पूछ रहा था। तुम्हें बताया तो था व्हाट्सएप पे। I'm planning to quit my job. MBA करने का सोच रही हूँ। एक्टिंग, BSc, MSc और MBA? लोगों को क्या क्या कुछ करने की चाहत होती है। MSc से सीधा MBA? कैसे मैनेज करोगी? तुमने मुझे एक्टिंग छोड़ की रट लगाकर MSc करवा दिया। जैसे तब मैनेज किया था वैसे अब मैनेज कर लूंगी। मैंने सोचा हुआ कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं हमेशा सोचता हूं कि मैंने पास्ट में जो भी गलती की है मैं उसे सुधारूं, लेकिन मेरे सामने मेरा पास्ट यू बैठा था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। कभी कभी तुम्हारा पास्ट इतना वियर्ड होता है ना कि तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। मैम, यो मोहितो। सर, आपके लिए। अब वैसे सनी, तुम्हारी पसंद का यहाँ कुछ भी नहीं मिलता होगा, बट या आई मस्ट से यू शुड ट्राई समथिंग न्यू। मुझे भूख नहीं है। कैसी डेट और कैसा रोमांस, उसके आने के बाद पूरा मूड चेंज हुआ था। तुम लोग? मेरा फ्रेश लाइम सोडा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और उसने उसका मोहितो सारी यादों के साथ बॉटम सब कर दिया। हेलो, तुम्हारा ध्यान किधर है? यही है। इट्स वेटिंग। कौन? योर फ्रेश लाइम सोडा। ये बंदी कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गई है। कुछ कहा तुमने? तुम कॉन्फिडेंट लग रही हो बहुत ज्यादा। सो इज दैट अ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं। तो पहली बार तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट देखा मैंने। मैंने भी। सॉरी। सो तुम पहली बार यहां आ रहे हो क्या? हाँ? आते रहना, नाइस प्लेस नो। कमाल है। या गुड वाइब्स। कमाल है। सो अब यू मस्ट बी रेगुलर एट सच कैफेज नो। सॉरी, नहीं, आई मीन बहुत सारी लड़कियां बहुत सारे कैफेज। हम कुछ अलग टॉपिक पे बात करें। जैसे कि ये ऐसी नहीं थी तुम। मतलब
हमारे हमारे बीच कुछ गलत लग रहा है। गलत तो मुझे भी लग रहा था। क्या तुम ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे? कब? जब तुमने मुझसे कहा दैट यू लव मी। सी, आई एम सॉरी। हम फ्लर्ट कर सकते हैं, लोगों को हंसा सकते हैं, सामने वाले को स्पेशल फील करा सकते हैं, बट जस्ट अ सॉरी कैन नॉट फिल द गैप्स क्रिएटेड बाय मिस्टेक्स वी कमिट। एक आसान सॉरी से सामने वाले को कुछ हासिल नहीं होता। मुझे लगा था हमारे बीच सब सॉल्व हो गया, सब कुछ पहले जैसे हो गया। फिर से एक बार मेकआउट शेकआउट फ्लर्टिंग शर्टिंग लेकिन उसके बजाय कुछ उल्टा ही हो रहा था। नहीं, नॉट फॉर सॉरी। अब सॉरी के लिए नहीं, इट्स जस्ट ऐसे मुझे बात याद नहीं, नहीं मैं गलत था। हाँ, बट इट्स बीन 5 years नाउ, इट्स ओके। हाँ, फिर भी कुछ तो बचा होगा ना? बहुत कुछ बचा है। एग्जैक्टली इतना सब कुछ होने के बाद तुम नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकती हो? नॉर्मल? क्या कहा तुमने? नॉर्मल? पांच साल तक नहीं कर पाई और शायद आज भी इतनी संभली नहीं हूं मैं। मतलब? मतलब ये कि आज भी हर सुबह तुम्हारा गुड मॉर्निंग का मैसेज आएगा, सोने से पहले तुम्हारा गुड नाइट का मैसेज आएगा, ऐसा लगता रहता है मुझे हमेशा। आज तक का हर एक दिन आज जितना नॉर्मल लग रहा है ना, उससे 100 गुना ज्यादा अब नॉर्मल लगता था। तुम्हें आज जाके कुछ अब नॉर्मल लग रहा है? आज जाकर कुछ गलत लग रहा है ना तुम्हें? मैं खुद को जब भी आईने में देखती हूं ना, मुझे मेरी हर चीज में बदलाव नजर आता है। आई डोंट केयर एनी मोर वेदर 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 आई गॉट अ पिंपल ऑन माय फेस, डार्क सर्कल अंडर माय आईज, और वेदर माय हेयर इज स्ट्रेटेड और कर्ल्ड और नॉट। मैं ना एक ऑनगोइंग मीटिंग से अचानक से निकल जाती हूँ, सब चुप होते हैं, मैं अचानक से हंसने लगती हूँ। हमारे मैसेंजर के चैट्स मैंने आज भी सेव करके रखे, घंटों पढ़ती रहती हूँ। तुमने मुझे फेसबुक पे ब्लॉक करने के बाद एक फेक प्रोफाइल बना के तुम कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ तक हो, सब देखती हूँ। आज भी कोई मुझसे नंबर पूछता है ना, तो झट से तुम्हारा नंबर मुंह से निकल आता है। तुमसे चैट करके ऐसा लगा कि शायद हम दोनों फिर से साथ आ जाएंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा, मैं पहले की तरह खुश हो जाऊंगी। इसलिए बहुत सारी तैयारी की, पंठन के जाके आईने के सामने खड़ी हो गई। याद है बेडरूम वाला आईना जहां पर तुमने और मैंने मेरा फर्स्ट स्मूच किया था, देन नेवर एंडिंग स्मूच। पता है मैं बहुत खुश थी, मैंने पहली बार किसी को किस किया था। थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी और पागल के जैसे रो पड़ी। तब तुमने मुझे गले लगाकर कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। याद आया, सनी तुम्हारे लिए कोई पहला हो या ना हो, लेकिन किसी के लिए तुम पहले जरूर हो सकते हो और शायद आखिरी भी। हमारी ब्रेकअप के बाद ना मैं उस आईने के सामने कभी गई ही नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, लेकिन आज तुमसे मिलने की तैयारी में गलती से भी उसी आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। और खुद को इतना खूबसूरत देखने के बाद मैंने पहली बार महसूस किया कि
यू डोंट डिजर्व ऑल दिस, इसलिए जानबूझ के मैं ऐसे इंडियन कैजुअल्स में आई। तुम्हें पसंद था ना कि मैं हमेशा ऐसे इंडियन कैजुअल्स में रहूं। और हाँ, मैं आज बहुत नॉर्मल हूं, बहुत ज्यादा नॉर्मल, तुम्हें इस तरह नॉर्मल देख के। एक्सक्यूज मी, सॉरी, इट्स ओके। तुम्हें कुछ और बोलना है तो बोल सकती हो। थैंक्स, थैंक्स आज मिलने के लिए। सनी, लुक, वी कैन नॉट फिक्स आवर पास्ट, बट वी कैन डेफिनेटली वर्क ऑन आवर प्रेजेंट। और एक बात कहूं? बोलो ना। Your fresh lime soda is no more fresh. खत्म करो उसे, मैं निकलती हूं। फाइनली कुछ खत्म हुआ था और कुछ शुरू। अब उसे देखकर वो किसी भी इंस्टा या फेसबुक अपडेट से काफी खूबसूरत लग रही थी। फिर मिलेंगे। खूबसूरत, खुश और आजाद।